नमस्कार बच्चों, बुक रिवीजन के इस वीडियो लेक्चर में आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो है स्ट्रक्चर चैप्टर का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और इसका एलिमेंट्स मेमोरी कैसे, मेमोरी में कैसे स्पेस रिजर्व करता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एडिशनल फीचर्स ऑफ क्या स्ट्रक्चर क्या है, और यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है, समरी है, एक्सरसाइज है। तो हम पहले जो है इस लेक्चर में जो है बच्चों जो है इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अगले लेक्चर में जो है जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट क्लियर हुए हम प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो देखिए लिखा है, व्हिच मैकेनिक्स इज गुड एनफ हु नो हाउ टू रिपेयर ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल, आंसर नन। कौन सा मैकेनिक पर्याप्त है जो एक ही तरह की बाइक अच्छे से बना ले रहा है, तो आंसर नन है। सेम थिंग, उसी तरह से, सेम थिंग इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज, उसी तरह से सी लैंग्वेज के बारे में भी सत्यता है। इट वुड नॉट हैव बीन सो पॉपुलर हैड इट बीन एबल टू हैंडल ओनली ऑल एंड्स, ऑल फ्लोट्स, ऑल कैर्स एट ए टाइम। उसी तरह से, जिस तरह से एक ही तरह की बाइक बनाने वाला उतना पॉपुलर नहीं हो सकता, उसी तरह से हम एक एक तरह का जो डेटा जो है अलग अलग, आल टाइप का इंटीजर डेटा को हैंडल करें, आल फ्लोट टाइप का ओनली डेटा हैंडल करें, आल कैरेक्टर टाइप का डेटा ओनली हैंडल करें, तो इससे हमारा सब काम नहीं हो सकता। क्यों? इन फैक्ट व्हेन वी हैंडल रियल वर्ल्ड डेटा, जब हम रियल वर्ल्ड में जो है कुछ डेटा को हैंडल करते हैं, तो वी डू नॉट यूजुअली डील विद लिटिल एटम ऑफ इंफॉर्मेशन बाई देमसेल्फ। जब हम वातावरण में चलते हैं, जो हम आसपास की चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें होती है सब सभी न तो इंटीजर टाइप की होती है, न फ्लोट टाइप की होती है, न कैरेक्टर टाइप की होती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, सब में कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारा कोई स्टूडेंट, उसका नाम है, तो उसमें क्या होता है, उसका नाम क्या है, अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, कैरेक्टर एरे है, उसका जो है एड्रेस क्या है, ये भी कैरेक्टर एरे है, मोबाइल नंबर क्या है, यह इंटीजर टाइप का है, उसका वेट कितना है, ये फ्लोट टाइप का है, उसका हाइट कितना है, यह फ्लोट टाइप का है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, थिंग है, वस्तुएं हैं, उसमें क्या है, अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन है, ठीक है बच्चों। देखिए राइटर क्या लिख रहे हैं, थिंग्स लाइक इंटीजर कैरेक्टर सजेस्ट इंस्टेड वी डील विथ एंटिटी डैट आर कलेक्शन ऑफ थिंग। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसको, उसमें क्या है, जब एंटिटी या वस्तुओं को जब हम डील करते हैं, तो उसमें होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चा है, कोई बुक है, बुक है तो उसका क्या होगा, बुक का नाम क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, ये तो अल्फाबेट से हो जाएगा, और उसमें जो है कितने पेज है, इंटीजर से हो जाएगा, कितना कास्ट है, फ्लोट से होगा, या ठीक है कब पब्लिश हुआ है, इसमें इंटीजर डेटा से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सब एक ही तरह की चीज़ें से काम नहीं चल सकता, हमें कुछ चाहिए, अलग अलग तरह की चीज़ों का कलेक्शन चाहिए, तब हम जो है रियल वर्ल्ड जो थिंग्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए लिखा है, एज यू कैन सी ऑल दिस डेटा इज डिसिमिलर। जैसा हम लोगों ने देखा कि जो बुक का नेम है, बुक नंबर है, पेज नंबर है, बुक की प्राइस है, राइटर है, पब्लिशर डेट है, एडिशन कौन सा है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, कोई इंटीरियर टाइप का है, कोई कैरेक्टर टाइप का है, कोई रियल टाइप का है, और कुछ मिक्सिंग है, ठीक है, तब जाकर के हम जो किसी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से
तो इसीलिए जो है स्ट्रक्चर जो है जरूरी है, कहने का अर्थ यह है सी प्रोवाइड्स ए डेटा टाइप कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो है सी क्या है, एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम चीज़ें क्या हों एक साथ जो है कलेक्शन के फार्म में रहें, जिससे हम उसको जब चाहे तब उसमें डेटा को स्टोर कर पाए और उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो सी प्रोवाइड्स ए डेटा टाइप कॉल्ड स्ट्रक्चर। ए स्ट्रक्चर गैदर टूगेदर डिफरेंट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर करता क्या है, जो डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन होता है उसको गैदर करके एक साथ रखता है। डेट कंप्राइजेज ए गिवन एंटिटी, जिसके थ्रू जो है क्या होता है किसी एंटिटी को हम पहचानते हैं। एंड स्ट्रक्चर इज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और स्ट्रक्चर क्या है इस टॉपिक का जो है इस चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों लिखा है व्हाई यूज स्ट्रक्चर, हेडिंग है व्हाई यूज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रयोग क्यों करते हैं। अब देखिए वी हैव सीन अर्लियर, हम लोगों ने इसके पहले देख चुके हैं हाउ ऑर्डिनरी वेरिएबल्स कैन होल्ड वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ एरे कैन होल्ड ए नंबर ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो हम लोग बच्चों इसके पहले देख चुके हैं कि कैसे जो है हमारा वेरिएबल एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जो हमारा एरे होता है कलेक्शन सिमिलर डेटा एलिमेंट को कैसे जो है रखता है। ठीक है, दीज टू डेटा टाइप्स कैन हैंडल ए ग्रेट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, इन दोनों की सहायता से हम जो सेट ऑफ वैरायटीज के सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं। बट क्वाइट ऑफन वी डील विथ एंटिटीज, बट क्वाइट ऑफन लेकिन हम सामान्य रूप से जो है एंटिटीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। डेट आर कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा टाइप, कोई भी वस्तु क्या होती है कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा टाइप होता है। ठीक है, जैसे मैंने बुक बताया, स्टूडेंट बताया, एम्प्लाई बताया, बाइक बताया, मोटर कार बताया, हवा एरोप्लेन बताया, कोई भी चीज़ है तो सब क्या है अलग अलग एंटिटीज है। तो उसमें क्या है हम सब में देखेंगे सबका नाम अलग अलग है, सबका प्राइस अलग अलग है, सबका लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग है। तो इसी से हम क्या करते हैं उसको पहचानते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एक दूसरे से अलग होता है जिसके कारण से उस वस्तु का नाम अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू स्टोर डेटा अबाउट ए बुक, मान लेते हैं आप जो है किसी बुक का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। यू माइट वांट टू स्टोर इट्स नेम, आपको इसका क्या चाहिए बुक का स्टोर डेटा स्टोर करने के लिए आपको इसका नाम चाहिए। नाम किस फॉर्म में होगा, ए स्ट्रिंग। इट्स प्राइस क्या है, इसका जो दाम कितना है कॉस्ट कितना है, और फ्लोट में होगा रियल वैल्यू होगा। रियल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट आते हैं, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है उसे हम रियल डेटा कहते हैं। एंड नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज जो भी होगा वो बटा हुआ इंटीजर में होगा। इफ डेटा अबाउट से थ्री सच बुक इज टू बी स्टोर देन वी कैन फॉलो टू अप्रोचेज। अगर हमें इसी तरह का जो है थ्री बुक स्टोर करना है इंफॉर्मेशन तो हम नीचे जो पैराग्राफ है उसको फॉलो करेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे, हम एक इंडिविजुअल एरे बनाते हैं, वन फॉर स्टोरिंग नेम, अंदर फॉर स्टोरिंग प्राइस, एंड स्टिल अंदर फॉर स्टोरिंग नंबर ऑफ पेजेस। अगर हमें किसी बुक का जो है नाम स्टोर करना है और प्राइस स्टोर करना है और कितना पेज है। ठीक है, सेकंड यूज स्ट्रक्चर, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो है हम चीज़ों को अलग अलग स्टोर करें तो एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हमें नाम स्टोर कर लेंगे और एक नाम जो है एरे में स्टोर करेंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम जो है प्राइस स्टोर कर लेंगे और दूसरा वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ पेजेस स्टोर करेंगे। ठीक है, ये तो ऑप्शन ए हो गया ओल्ड ऑप्शन। और जो देखें न्यू ऑप्शन क्या है, यूज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो नया है सेकंड बी, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे अगर किसी बुक का इंफॉर्मेशन रखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों,
स्ट्रक्चर बना करके हम डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। लेट अस एग्जामिन दीज टू अप्रोचेज वन बाय वन। आइए दोनों अप्रोचेज को वन बाय वन जानते हैं, देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रामिंग कन्वीनियंस एज्यूम दैट द नेम ऑफ बुक्स वुड बी, प्रोग्रामिंग की सुविधा की दृष्टि से देखिए बुक, अभी हम सुविधा के दृष्टि से बच्चों मान ले रहे हैं कि बुक का जो नाम है वह एक सिंगल कैरेक्टर लॉन्ग है, उसका नाम क्या है ये कहीं कैरेक्टर में आ जा रहा है, अभी सुविधा की दृष्टि देख रहे हैं, आगे चल करके हम कॉम्प्लेक्स नाम को स्टोर करेंगे, ठीक है बच्चों। लेट अस बिगिन, क्या जैसा कि हम जानते हैं कि पहले का कोई चीज़ शुरू करते हैं तो सिंपल होना चाहिए, अब जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे तब कॉम्प्लेक्स किया जाए तो तब हम बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो राइटर ऐसा कह रहे हैं इसके बिहाइंड रीजन है, ठीक है बच्चों। लेट अस बिगिन विथ ए प्रोग्राम डैट यूजेज एरेज। आइए प्रोग्राम देखते हैं जो एरे को यूज करता है। देखिए एक मेन मेथड है, इसमें हमने जो है क्या स्टोर किया, नेम, नेम यहाँ पर साइज ले लिया गया, सब में देखिए 3-3 साइज है, नेम में 3 साइज है, प्राइस में 3 साइज है और पेजेज में सबका साइज 3-3 है। पेज हमारा इंटीजर होगा, नेम हमारा कैरेक्टर में आएगा और प्राइस किस में होगा, डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो तीन बुक का हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो बच्चों इसके लिए हमने क्या बनाया, साइज 3 कर दिया, ठीक। आइए आगे देखते हैं, इंटर नेम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेज ऑफ 3 बुक। अब देखिए लिखा है कि इंटर नेम, 3 बुक का नाम स्टोर करना है, इंटर नेम प्राइस नंबर ऑफ पेजेज ऑफ 3 बुक्स लिखा है ना। तो बच्चों जैसा ऊपर हेडिंग में दिया गया है कि यहाँ पर हम बुक का जो नाम है ये कहीं कैरेक्टर में यूज करेंगे, जैसे सी का स्टोर करना है तो सी लिख दिया, ठीक है। आगे चल करके हम इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो बच्चों 3 बुक का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हमारे पास क्या है, इसके लिए भी 2 ऑप्शंस है, या तो जो है 3 बार इसके अंदर फंक्शन लिखें या एक लूप लगा दें जो 3 टाइम चले, ठीक है बच्चों। तो लूप लगाना आसान है, ठीक है। तो लूप में आई की वैल्यू 0 करते हैं, आई लेस देन आर इक्वल टू 2 करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो लूप क्लियर हो गया होगा, आई प्लस प्लस। तो इसका ना फंक्शन में देखिए परसेंट सी, परसेंट ए और परसेंट डी करते हैं। एड्रेस ऑपरेटर नेम आई, आई का अर्थ है कि फर्स्ट बुक के लिए आई नेम 0, प्राइस के लिए प्राइस 0 और पेजेस के लिए पेजेस 0, क्योंकि यहाँ एरे के फार्म में यहाँ पर डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो जैसा आपको पहले से बताया जा चुका है, जो आपने देखा होगा कि हमारा जो एरे होता है उसका जो है क्या होता है, एरे में हम मल्टीपल वैल्यू एक वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं, कैसे करते हैं उसमें जो है जो एरे का साइज होता है और ईच साइज जो होता है एरे का जो भी सेल होता है वह 0 से स्टार्ट होता है और साइज लास्ट जो इंडेक्स होता है सेल का जो है वह साइज जितना होता है -1 होता है, ठीक है बच्चों। तो एड्रेस ऑपरेटर नेम आई, एड्रेस ऑपरेटर प्राइस आई, एड्रेस ऑपरेटर पेजेज आई। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद जो है एंट्री तो हो गई, अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए वही प्रिंटर मेथड लगाएंगे, कैसे, लूप को उतनी बार चलाएंगे, 3 इन्फॉर्मेशन है तो 3 टाइम चलाएंगे रीड करने के लिए और 3 टाइम चलाएंगे डिस्प्ले करने के लिए। तो देखिए हमारा जो है नेम एक कैरेक्टर का है तो उसके लिए फॉर्मेट लगाएं परसेंट सी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे जो है इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा है, इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे देखिए क्या कर, इंटर नेम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 3 बुक्स। तो उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने फॉर्मेट दिया है उस ऑर्डर में हमने क्या किया, रीड कराया। देखिए कैसे, फर्स्ट बुक का हमने इन्फॉर्मेशन दिया ए, क्योंकि अभी लिमिटेशन है, एक कैरेक्टर ज़्यादा बुक का नाम नहीं दे सकते बच्चे,
आगे चल करके दिया जाएगा तो उसके लिए फिर कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेम, प्राइस, नंबर ऑफ पेजेस। तो ये क्या है, बुक नेम है। 100.00 क्या है, यह प्राइस है। कितने पेज की बुक है, 354। इंटर किया। इसके बाद जो है जैसे इंटर कर दोगे तो अगला जो है लूप की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। तो सेकंड टाइम जैसे आएगा तो फिर आप बुक इन्फॉर्मेशन दीजिए, सी डाला स्पेस 256.50, 682 डाला, इंटर। इस तरह से जैसे 3 बुक का इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा चलेगा नहीं। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने इंटर किया है वह आपके सामने प्रिंट मेथड डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए इसमें है क्या, इसको पढ़ते हैं। दिस अप्रोच नो डाउट अलाउ यू टू स्टोर नेम, प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस। देखिए इस अप्रोच से हम स्टोर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। बुक का नेम स्टोर कर ले रहे हैं, प्राइस स्टोर कर ले रहे हैं, पेजेस स्टोर कर ले रहे हैं, ऐसे और भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइस, पेजेस, नंबर ऑफ पब्लिशर, एडिशन, ठीक है, राइटर्स नेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बट एज यू मस्ट हैव रियलाइज, लेकिन जब आप रियलाइज करते हैं इट इज एन अनविल्डी अप्रोच दैट ऑब्स्क्योर द फैक्ट दैट यू आर डीलिंग विथ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू ए सिंगल एंटिटी द बुक। ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो यह इंफॉर्मेशन है किसी एक बुक के लिए है, ठीक है, जैसे कि बुक का नाम, बुक का प्राइस, बुक का पेजेस, ये जो इंफॉर्मेशन है इतना क्लियर है कि यह एक पेज, यह एक बुक के बारे में है, इतना क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब एक बुक के बारे में है, दूसरे बुक का होता तब, अब आगे देखते हैं राइटर के कारण। द प्रोग्राम बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू हैंडल एज द नंबर ऑफ आइटम रिलेटेड टू बुक गो आर इंक्रीजिंग। अब इस तरह का प्रॉब्लम मोर डिफिकल्ट तब होगा जब इस तरह का जो आइटम है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वी वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज ए नंबर ऑफ एरेज इफ वी आल्सो डिसाइड टू स्टोर नेम ऑफ पब्लिशर, डेट ऑफ परचेज ऑफ बुक, etc. इस तरह से अभी और भी चीज़ें अगर हम ये स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सी प्रोवाइड्स ए स्पेशल डेटा टाइप द स्ट्रक्चर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी ने जो है एक अलग जो है डेटा टाइप बनाया है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। तो चलते हैं न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ए स्ट्रक्चर कंटेन्स ए नंबर ऑफ डेटा टाइप ग्रुप्ड टुगेदर। देखिए स्ट्रक्चर में होता क्या है, जो हमारे डेटा टाइप होते हैं ग्रुप फॉर्म में होता है, और अगर हम स्ट्रक्चर से नए प्रोग्राम बनाएंगे तो होगा क्या, डेटा रहेगा लेकिन जो है अन ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है, एक ग्रुप फॉर्म में नहीं रहेंगे, रैंडमली रहेंगे, ठीक है। दी डेटा टाइप में आर मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप, यह डेटा टाइप सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दिस डेटा टाइप। फॉलोइंग एग्जाम्पल जो है के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। देखिए बच्चों,
मेन फंक्शन के अंदर देखिए लिखा था, स्ट्रक्ट बुक लिखा है, कर्ली ब्रेस स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या है, सी एच ए आर नेम है, फ्लोट प्राइस है, इंट पेजेज, कर्ली ब्रेस क्लोज, स्ट्रक्ट बुक बी वन बी टू बी थ्री ये लिखा हुआ है, अभी स्टार्ट हो रहा है इसलिए लिखा है, अभी समझते हैं क्या लिख रहा हूँ। राइटर इंटर देखिए प्रिंट मेथड में लिखा है इंटर नेम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ थ्री बुक्स बैक स्लैश एन, इसका ना फंक्शन देखिए लिखा है परसेंट सी परसेंट या परसेंट डी डबल कोट्स क्लोज कामा एड्रेस ऑपरेटर बी वन डॉट नेम एड्रेस ऑपरेटर बी वन डॉट प्राइस एड्रेस ऑपरेटर बी वन डॉट पेजेस। देखिए थ्री बुक का बच्चों इंफॉर्मेशन है तो इसी स्टेटमेंट को इसका अंदर को तीन बार लिखा गया है, देखिए राइटर ने तीन बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, या तो तीन एक स्टेटमेंट को थ्री टाइम चलाइए या थ्री टाइम लिखिए। एंड दिस इज व्हाट यू इंटर और आपने जो इंटर किया हुआ नीचे है देखिए, तो प्रिंट मेथड से प्रिंट कराएगा, इसका नाम मेथड से थ्री बुक के डेटा को तीन बार में लिया गया और प्रिंटर मेथड से तीन बार में डेटा को अलग अलग लाइंस में प्रिंट कराया गया, डिस्प्ले कराया गया। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए वही है जो एरे में लिया था, लेकिन यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन एक साथ है। देखिए यह डेटा इंटर हुआ है और ये अभी आगे यही सेम डेटा क्या होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक, दिस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट टू फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर यह प्रोग्राम स्ट्रक्चर के दो पहलू को रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्या बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट, स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करें, दूसरा कैसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करें। ठीक है, ये इस प्रोग्राम में दो चीज़ें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर कैसे जो है डिक्लेयर करें, कैसे बताएं मशीन को कि स्ट्रक्चर है, कैसा नाम है, क्या है, कितने मेंबर हैं, किस टाइप के हैं, मशीन को बताना होगा बच्चों ना, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। इन आवर एग्जांपल प्रोग्राम जो प्रोग्राम अभी लिया गया था, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर द स्ट्रक्चर टाइप, अभी जो बेटा ऊपर एग्जांपल लिया गया है उसमें देखिए राइटर बता रहे हैं किसको डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्ट बुक कर्ली ब्रेस के अंदर ब्लॉक में सी एच ए आर नेम लिखा, फ्लोट प्राइस लिखा, इंट पेजेज लिखा। दिस स्टेटमेंट डिफाइंड ए न्यू डाटा टाइप, यह स्टेटमेंट जो है एक न्यू डेटा टाइप को क्या करता है, डिफाइन करता है, जिसका नाम है स्ट्रक्ट बुक। स्ट्रक्ट बुक क्या है, एक न्यू डेटा टाइप को डिफाइन करता है। ईच वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप विल कंसिस्ट ऑफ ए करेक्टर वेरिएबल, तो इस वेरिएबल का इस डेटा टाइप का जो ईच वेरिएबल है, देखिए उसमें एक क्या है पहला करेक्टर वेरिएबल है जिसे जो नेम है,
एक जो है आपका जो है फ्लोट वेरिएबल जो प्राइस है, और एक वेरिएबल ऐसा है जो इंटीजर है जिसका नाम है पेजेज। द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। अब ये तो हो गया प्रोग्राम के थ्रू। अब देखिए आगे जनरल स्ट्रक्चर दे रहे हैं राइटर, कैसे जो है हम न्यू डेटा टाइप बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए लिख रहे हैं स्ट्रक्ट रिजर्व वर्ड लगा करके स्ट्रक्चर नेम राइट करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद ब्लॉक बना करके स्ट्रक्चर एलिमेंट फर्स्ट, स्ट्रक्चर एलिमेंट सेकेंड, सेमी कोलन लगता जाएगा, स्ट्रक्चर एलिमेंट थर्ड, डॉट डॉट, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर राइट करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर को सेमी कोलन से टर्मिनेट करेंगे, एंड कर देंगे। वंस द न्यू स्ट्रक्चर डेटा टाइप हैज बीन डिफाइंड, एक जब एक जो है एक बार स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया जाएगा तो इस टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल B1, B2, B3 कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ द टाइप स्ट्रक्ट बुक। हम लोग जो ऊपर प्रोग्राम में B1, B2, B3 डिक्लेयर किए हैं उसका टाइप क्या है बच्चों? स्ट्रक्ट बुक है, जो नीचे देखिए दिया गया है स्ट्रक्ट बुक B1, B2, B3 सेमी कोलन। अब देखिए यह स्टेटमेंट करता क्या है, दिस स्टेटमेंट सेट्स एसाइड स्पेस इन मेमोरी। यह स्टेटमेंट जो है मेमोरी के अंदर इन वेरिएबल के लिए स्पेस क्रिएट करता है। इट मेक्स अवेलेबल स्पेस टू होल्ड ऑल द एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर। यह करते क्या है, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं सबके लिए क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि सारे मेंबर, जैसे हम एक वेरिएबल बनाए उनके लिए जो है मेमोरी मिल जाए, ठीक है। इन दिस केस 7 bytes, इन दिस केस 7 bytes, 1 फॉर नेम, 4 फॉर प्राइस एंड 2 फॉर पेजेज। दीज बाइट्स आर ऑलवेज इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। तो ये जो मेंबर्स हैं मेमोरी में जो है एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग स्पेस लेते हैं, ठीक है बच्चों। इफ वी सो डिजायर, यदि हमें इस तरह से आवश्यक हुआ, वी कैन कंबाइन द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर टाइप एंड द स्ट्रक्चर वेरिएबल इन 1 स्टेटमेंट। यदि हमें आवश्यक हुआ तो इस तरह का जो वेरिएबल्स है उसको हम जो है एक साथ जो है डिक्लेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर
जैसे लिखा है इंस्ट्रक्ट बुक, नेम, प्राइस, पेजेस। कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया। इंस्ट्रक्ट बुक B1, B2, B3 सेमी कोलन इज ए सेम एज, जिस तरह से यह स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसी तरह से हम देखिए बच्चों आगे इस तरह से भी कर सकते हैं डिक्लेयर्ड। सब कुछ सेम रहेगा। स्ट्रक्चर का नाम बुक है, मेंबर भी सेम रहेंगे, लेकिन जहाँ पर हम कर्ली ब्रेस क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद सेमी कोलन लगा रहे हैं और उस सेमी कोलन एंड कर्ली ब्रेस के बीच में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को अगर राइट कर दें तो हमें जो है स्ट्रक्चर टाइप नहीं देना पड़ेगा वेरिएबल नेम से पहले, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो रहा है। आगे देखिए बच्चों, स्ट्रक्ट CHAR नेम, फ्लोट प्राइस, इंट पेजेस, ये भी करेक्ट है। लाइक प्राइमरी वेरिएबल्स एरे, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कैन आल्सो इनिशियलाइजेज वेयर दे आर डिक्लेयर्ड। जिस तरह से हमारे वेरिएबल्स स्ट्रक्चर वेरिएबल्स सॉरी एरे की वैल्यू को हम डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज करते हैं, उसी तरह हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज्ड कर सकते हैं। दिस फॉर्मेट यूज्ड इज क्वाइट सिमिलर टू दैट यूज्ड टू इनिशियलाइज्ड एरे, इनिशिएट एरे। यह फॉर्मेट वैसे ही सिमिलर है जैसे हमारा एरे होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, जैसे देखो इंस्ट्रक्ट बुक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है नेम पहले एग्जांपल में सिंगल कैरेक्टर का लिया गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमने जो है नेम 10 कैरेक्टर का लिया है जो मेंबर है, ठीक है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया B1, इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज देखिए कैसे कर रहे हैं। बुक का नाम है बेसिक तो डबल कोट्स में दिया, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को डबल कोट्स में साइड करते हैं। इसके बाद प्राइस है 130 रुपीज, कामा पेजेज है 550 सेमी कोलन। दूसरा वेरिएबल बच्चों बनाया B2, उसी तरह से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट सारे बुक का नाम रखा फिजिक्स, प्राइस 150.80 कामा पेजेज हैं 800 तो 800 रख दिए। ब्लैक को क्लोज किया उसके बाद लगा दिया सेमी कोलन, ठीक है बच्चों। नोट द फॉलोइंग पॉइंट व्हाइल डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर। अब राइटर कह रहा है कि कुछ पॉइंट को नीचे नोट कर लेते हैं जब हम कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द क्लोजिंग ब्रेस इन द स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी फॉलोड बाय ए सेमी कोलन। तो कह रहा है कि जहां पर हम स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन करते हैं उसके जस्ट बाद क्या करते हैं, लगाते हैं सेमी कोलन लगाते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन डज नॉट टेल द कंपाइलर
टू रिजर्व एनी स्पेस इन मेमोरी। तो कह रहे हैं राइटर कि जैसे जब हम स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन करते हैं तो जो मेंबर होते हैं वह मेमोरी में स्पेस उसी समय रिजर्व नहीं करते। ऑल स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज इच, सभी स्ट्रक्चर इस तरह से व्यवहार करते हैं। इट डिफाइन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर को फॉर्म को डिफाइन करते हैं। फॉर्म का अर्थ है फॉर्मेट, टेम्पलेट, मॉडल। थर्ड पॉइंट देखिए राइटर क्या कर रहे हैं, यूजुअली स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन अपीयर एट द टॉप ऑफ द सोर्स कोड फाइल। जो स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन होता है वो फाइल में या प्रोग्राम में एकदम टॉप पर रहते हैं, बिफोर एनी वेरिएबल आर फंक्शंस आर डिफाइंड। ठीक है, इन वेरी लार्ज प्रोग्राम्स दे आर यूजुअली पुट इन ए सेपरेट हेडर फाइल। तो कह रहा है कि कोई लार्ज प्रोग्राम होते हैं तो उसमें जो है, अगर लार्ज प्रोग्राम होते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर टाइप जो डिक्लेरेशन होता है उसको अलग फाइल में रखते हैं। ठीक है, और उसको हम आगे क्या करते हैं, जहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, आगे हम देख रहे हैं बच्चों कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे करते हैं ये देखेंगे। हैविंग डिक्लेयर्ड द स्ट्रक्चर टाइप एंड द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, हम लोग अभी अब तक जो है स्ट्रक्चर टाइप और स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कैसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। इन एरे वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग ए सबस्क्रिप्ट। एरे देखिए किस में क्या होता है बच्चों, एरे के किसी भी एलिमेंट को जब एक्सेस करना होता है तो एरे का नाम राइट करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसके इंडेक्स को राइट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर यूज ए डिफरेंट स्कीम, देखिए स्ट्रक्चर क्या करता है, डिफरेंट स्कीम यूज करता है। क्या यूज करता, दे यूज ए डॉट ऑपरेटर, स्ट्रक्चर जो है डॉट ऑपरेटर का यूज करता है। सो टू रिफर टू पेजेज ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइंड इन आवर सिंपल प्रोग्राम्स वी हैव टू यूज, कह रहा है कि अगर हम जो पेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम फॉलोड बाय स्ट्रक्चर डॉट ऑपरेटर के बाद स्ट्रक्चर मेंबर नेम। ठीक है, जैसे b1 डॉट पेजेस, सिमिलरली टू रिफर टू प्राइस वी वुड यूज, अगर हम जो है प्राइस एक्सेस करना चाहते हैं चाहेंगे तो हम प्रयोग करेंगे क्या, b1 डॉट प्राइस, नोट डैट बिफोर द डॉट देयर मस्ट ऑलवेज बी ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ नोट कर लेना है बच्चों कि स्ट्रक्चर मेंबर से पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल होना जरूरी है। स्ट्रक्चर मेंबर या स्ट्रक्चर एलिमेंट, स्ट्रक्चर मेंबर को स्ट्रक्चर एलिमेंट भी कहते हैं, देखिए दिया ना, मस्ट ऑलवेज बी स्ट्रक्चर एलिमेंट। आगे चलते हैं, हाउ स्ट्रक्चर एलिमेंट आर स्टोर्ड, स्ट्रक्चर के एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं।
व्हाट एवर बी द एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। देखिए कैसे, ये बुक है ना बच्चों, देखिए B1 देखिए वैल्यू कैसे प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ नेम, एड्रेस ऑपरेटर B.name, ठीक है, एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ प्राइस %U, एड्रेस ऑपरेटर B1.price, एड्रेस ऑफ पेजेस %U B1.pages। तो देखिए ध्यान से इनका हम कैसे समझ रहे हैं कि ये एक साथ मेमोरी लेते हैं, इसलिए हम एड्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों, और कोई दूसरी बात नहीं है। देखिए बच्चों एड्रेस ऑफ नेम कितना है, 65518 है, कितना नेम है 65518। एक कैरेक्टर बाद देखिए अरे जो नेम है सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, तो अगला जो मेमोरी का सेल होगा वहाँ क्या स्टोर होगा, प्राइस, तो प्राइस का मेमोरी चेक कर रहे हैं B1.price का एड्रेस। देखिए बच्चों कितना दिखा रहा है 65519। देखिए 1 byte का डिफरेंस है ना, क्योंकि हमारा कैरेक्टर 1 bytes लेता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो प्राइस है वो तो 4 bytes में मिलेगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, तो इसीलिए जो है जब एड्रेस ऑफ पेजेस निकाला गया तो वहाँ पर देखिए 519 and 523 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है, ये 4 bytes है, ठीक है बच्चों। एक्चुअली द स्ट्रक्चर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एज शोन बिलो। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं मेमोरी में इस डायग्राम के फॉर्म में स्टोर होते हैं लॉजिकली, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, फिजिकल नहीं। देखो ध्यान से ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 65518 पर बी का एड्रेस आ रहा है, नेम का एड्रेस आ रहा है, प्राइस का एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 65519। इसके बाद 65523 पर पेजेस का स्टार्ट हो रहा है, 3 members हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनके एड्रेस हैं कॉन्टिग्यूस फॉर्म में है, ठीक। आइए बच्चों आगे देखते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 1 object या 1 entity का इंफॉर्मेशन जो अलग अलग तरह का है कैसे स्टोर कर रहे हैं स्ट्रक्चर बना करके। अब आगे हम बात करेंगे कि मल्टीपल बुक का इंफॉर्मेशन, ढेर सारी बुक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आवर सिंपल प्रोग्राम शोइंग यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर इज रादर सिंपल माइंडेड, ऑल इट डज इज इट रिसीव वैल्यू इनटू वेरियस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड आउटपुट दीज वैल्यूज, बट दैट्स ऑल वी इंटेंडेड टू डू एनी वे, सो हाउ स्ट्रक्चर टाइप आर क्रिएटेड, हाउ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड हाउ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर रेफरेंस्ड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कैसे स्ट्रक्चर टाइप को डिफाइन करते हैं, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा
स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को कैसे वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम के बाद डॉट लगाते हैं ऑपरेटर, उसके बाद स्ट्रक्चर एलिमेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इन आवर एग्जांपल टू स्टोर ए डेटा ऑफ 100 बुक्स। अगर हमें डेटा जो है 100 बुक्स का स्टोर करना है, 100 बुक्स का, वी वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज 100 डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, 100 डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्रॉम B1 टू B100। ठीक है, विच इज डेफिनेटली नॉट वेरी कन्वीनियंट। देखिए, एक बुक का इंफॉर्मेशन B1 एक वेरिएबल से हो रहा है, दो का स्टोर करना है तो B1 B2 चाहिए, 3 है तो B1 B2 B3 है, और 100 बुक का है तो B1 B2 B3 डॉट B100। एक तरीका तो यह है जो पुराना है, लेकिन एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक वेरिएबल जो है मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल आगे हम बना लेंगे और उसका साइज 100 कर देंगे, जैसा एरे में होता है तो 100 बुक का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखे हैं राइटर यूजेज ऑफ एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है और स्ट्रक्ट बुक बी साइज 100 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आई एक लूप लगाया और इतना तो आपको पता होगा ही कि 100 बुक का इन्फॉर्मेशन रखना है तो क्या करते हैं, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट, लास्ट वाला कितना होगा, 100 नहीं होगा, साइज 100 है तो लास्ट का इंडेक्स 100 माइनस 1 मतलब 99 होगा। ठीक है, तो इसलिए लूप चलाया गया 0 से लेकर कहाँ तक, 99 तक, और उसके बाद इसका नाम मेथड में जो सब कुछ लिखने का तरीका वहीं रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा उसमें क्या लिखेंगे, जो आई, जो हम आई की वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आई 0 रहेगा, 1 2 3 डॉट अप, आई लास्ट में हो जाएगा 99, तो इस तरह से 99 हो जाएगा, लेकिन हम 100 डेटा इंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिंक फ्लोट, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, एक इमुलेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग जो डेटा होता है उसको हम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए एक प्रोग्राम यूज करते हैं इमुलेटर, जिससे करता क्या है, हमारा जो लिंक फ्लोट टाइप कैलकुलेशन करना होता है तो इमुलेटर से जो है हमारा प्रोग्राम क्या करता है, लिंक करता है, तो उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारे फ्लोट डेटा को वो प्रोग्राम प्रोसेस करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, लिंक फ्लोट एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा और उसमें हमें देना पड़ेगा फ्लोट ए असाइनमेंट 0 और एक पॉइंटर वेरिएबल बी बनाना पड़ेगा, बी में ए का रेफरेंस, जिससे हमारा इमुलेटर क्या हो, लिंक हो जाए, बी में ए का एड्रेस, ए में सप्रेस द वार्निंग वेरिएबल नॉट यूज, वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, वार्निंग नहीं आया, इसके लिए जो है एसटीसी बी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ए में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा क्या होगा, फ्लोटिंग डेटा टाइप पर हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, इसको जरूर लगाना पड़ेगा अगर पुराना कंपाइलर है तो। आगे देखते हैं, नाउ ए फ्यू कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के कुछ कमेंट्स देखिए क्या क्या हैं, नाउ इट इज द हाउ द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड,
यहाँ नोट कर ले लेना है कि बैरेबल कैसे डिक्चर होते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्ट बुक बी 100 साइज, ठीक बच्चों, एरे की तरह। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट बुक क्या है, एक टाइप है इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट की तरह, यानी डिराइव टाइप है। आगे देखो बच्चों, दिस प्रोवाइड्स स्पेस इन मेमोरी फॉर 100 स्ट्रक्चर, या मेमोरी में जो है 100 जो है स्ट्रक्चर का स्पेस क्रिएट करता है, जो जिनका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट बुक टाइप का। यह मेमोरी में 100 वेरिएबल के लिए स्पेस क्रिएट करता है, ठीक बच्चों। आगे देखिए बच्चों, द सिंटैक्स वी यूज टू रिफरेंस ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बी इज सिमिलर टू सिंटैक्स यूज फॉर एरे ऑफ एंड कैर्स। फॉर एग्जाम्पल वी रिफर टू जीरोथ बुक प्राइस वी रिफर टू जीरोथ बुक प्राइस, ठीक है। तो बी जीरो डॉट प्राइस, सिमिलरली वी रिफर फर्स्ट बुक पेजेज एज बी वन डॉट पेजेज। तो एरे की तरह यहाँ पर भी कंसेप्ट है, जैसे एरे में होता है बच्चों वैसे यहाँ पर भी हम करते हैं, ठीक है। इट शुड बी अप्रिसिएटेड व्हाट केयरफुल थ्रू डेनिस रिची हैज पुट इनटू सी लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए डेनिस रिची ने क्या जो है ध्यान देने की बात कही है, क्या किया, ही फर्स्ट डिफाइंड एरे एज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, देन रियलाइज दैट द सिमिलर डेटा टाइप दैट आर ऑफन फाउंड इन रियल लाइफ कैन नॉट बी हैंडल यूजिंग एरेज। तो हम लोगों ने देखा कि रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें क्या है, सभी तरह की चीज़ें जो है सिमिलर नहीं है, कुछ अलग अलग की चीज़ें भी एक साथ हैं, ठीक है। इसलिए जो है इन्होंने स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बनाया जो है, ठीक है। आगे देखिए, इन एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। तो हमने ये ध्यान देने की बात यह है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं सब एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है बच्चों। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज ए स्ट्रक्चर, सिंस ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस, यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज द अरेंजमेंट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन मेमोरी। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एरे के जो भी मेंबर होते हैं, एक जो है कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं, तो इसको अच्छे से विजुलाइज किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए लिंक फ्लोट क्यों लगाया गया, व्हाट इज द फंक्शन लिंक फ्लोट डूइंग हियर इफ यू डो नॉट डिफाइन इट यू आर फाउंड टू गेट द एरर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड करके एरर आता है, ठीक है। व्हाट काजेज द एरर टू अकर, यह किस कारण से आ रहा है, व्हेन पार्सिंग आवर सोर्स फाइल इफ द कंपाइलर इनकाउंटर्स ए रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ ए फ्लोट। यदि कंपाइलर जो है एक एड्रेस ऑफ फ्लोट का रेफरेंस पाता है, इट सेट्स ए फ्लैग टू हैव द लिंकर लिंक इन द फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट मेंबर पाता है, ये क्या करता है, फ्लोटिंग लिंकर को एक इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कि होता क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर से लिंक हो जाए।
ए फ्लोटिंग पॉइंट इम्युलेटर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन रन टाइम लाइब्रेरी फंक्शन। तो यह इम्युलेटर क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रन टाइम जो है इम्युलेटर लाइब्रेरी से लिंक करा देता है और उसके लॉजिक अकॉर्डिंग जो है फ्लोटिंग पॉइंट का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, आगे लाइक स्कैनअप एंड ए टू एफ। देर आर सम काजेज इन विच रिफरेंस टू द फ्लोट इज ए बिट ऑब्सक्योर एंड द कंपाइलर डज नॉट डिटेक्ट द नीड फॉर द इम्यूलेटर। ठीक है, इसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ये समझना है, कराना पड़ता है। द मोस्ट कॉमन इज यूजिंग स्कैनअप टू रीड ए फ्लोट इन एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर एज शोन इन आवर प्रोग्राम। हाउ कैन वी फोर्स द फॉर्मेट टू बी लिंक, दैट्स द वेयर द लिंक फ्लोट फंक्शन कम इन। तो इसके हेल्प से हम फोर्सफुली जो है लिंकर को इम्यूलेटर से लिंक कराते हैं, जिससे कि हमारा जो है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि वैसे जो है हमारा जो कंपाइलर जो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को सपोर्ट नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर केस में। इट फोर्सेज लिंकिंग ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर इन टू एन एप्लीकेशन। देयर इज नो नीड टू कॉल दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करने को कोई आवश्यकता नहीं होती। जस्ट डिफाइन इट एनी हेयर इन योर प्रोग्राम, इसको जस्ट हमें क्या होता है बस डिफाइन करता होता करना होता है अपने प्रोग्राम में। ठीक है बच्चों, लिंक फ्लोट ये ध्यान रखना, लिंक फ्लोट। एडिशनल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के कुछ एडिशनल फीचर्स क्या है, लेट अस नाउ एक्सप्लोर द इंट्रिकेसीज ऑफ स्ट्रक्चर विथ ए व्यू ऑफ प्रोग्रामिंग कन्वीनियंस। वी वुड हाईलाइट दीज इंट्रिकेसीज विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको हम नीचे रिपेंट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइंड टू अदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला पॉइंट कह रहा है राइटर कि स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल है, एक स्ट्रक्चर की वैल्यू को उसी टाइप के दूसरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉपी द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स पीस मील। ओबियसली प्रोग्रामर्स प्रीफर असाइनमेंट टू पीस मील कॉपिंग। तो हम कॉपी मतलब कि असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पर दो थ्री स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, ईवन की वैल्यू इनिशियलाइज्ड है, इसमें लिखा है संजय, एज है 30, सैलरी है 5500.50। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इसमें जो है थ्री स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, देखिए कैसे कॉपी कर रहे हैं, strcpy देखिए टारगेट वेरिएबल हमारा है e2.name में कर क्या रहे हैं, e1.name की वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं। e1.name से संजय को हम क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे और उस संजय को जो e2 जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके फील्ड में ले जाकर क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। e1.age की वैल्यू कॉपी कर देंगे और उसी तरह से e2.salary में डाल देंगे e1 की सैलरी। ये तो हो गया पीस वाइज,
कॉपिंग ऑल एलिमेंट्स एट वन गो, सारे एलिमेंट को एक साथ हम कॉपी करना होगा, तो ई थ्री असाइनमेंट बाई ई टू कर देंगे। तो ई थ्री में जो है ई वन के पूरे मेंबर्स की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर प्रिंट क्या करा रहे हैं, इवन डॉट, देखिए नेम स्ट्रिंग फॉर्म का है इसलिए फॉर्मेट यहाँ लगा रहे हैं परसेंट यस, इवन डॉट नेम, इवन डॉट एज, इवन डॉट सैलरी। अब उसके बाद उसी तरह से देखते हैं ई टू में क्या आया, ई टू वेरिएबल में तो ई टू डॉट नेम, ई टू डॉट एज, ई टू डॉट सैलरी। अब देखते हैं ई थ्री में कॉपी हुआ कि नहीं, तो ई थ्री डॉट नेम, ई थ्री डॉट एज, ई थ्री डॉट सैलरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेटा ई वन में है वह ई टू में भी आ गया एंड ई थ्री में भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो इंडिविजुअली पीस वाइज और एक साथ हम जो है मेंबर को कॉपी कर सकते हैं, कितना अच्छा तरीका है। आगे देखिए क्या राइटर लिख रहे हैं, एबिलिटी टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ वन वेरिएबल इनटू करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल इज रेदर सरप्राइजिंग। इस तरह से जो डेटा कॉपी हुआ इसको जो है बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, सिंस सी डज नॉट अलाउ असाइनिंग द कंटेंट ऑफ वन एरे टू अनदर जस्ट बाय इक्वेटिंग द टू। लेकिन स्ट्रक्चर में तो ऐसा कर ले रहा, लेकिन एरे केस में ऐसा नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रक्चर, एक एरे है जिसमें कुछ डेटा है, दूसरे में उसको कॉपी कर दे तो हो जाए, ऐसा वहाँ पर नहीं हो सकता। दिस कॉपिंग ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट एट वन गो हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो यह जो है एक ही स्टेटमेंट के थ्रू जो हमारा एक स्ट्रक्चर के मेंबर्स है दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में जा रहे हैं, कॉपी हो जा रहे हैं, उसके बिहाइंड जो रीजन क्या है कि जो है हमारे मेंबर्स हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में रिजर्व स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट फिक्स है। Had this not been so, we would have been required to copy structure variables element by element. ठीक है, कर सकते हैं element by element. And who know, had this been so, जो जानते हैं कि ऐसा हमने किया है, structure would not have become popular at all. क्या भाई पॉपुलर नहीं हो पाया। नेक्स्ट, वन स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर आ सकता है, इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। यूजिंग दिस फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड। इस फैसिलिटी से हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। मेन मेथड में चलते हैं, स्ट्रक्ट एड्रेस, एक एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। देखिए स्ट्रक्ट नाम का एड्रेस नाम का, उसमें एड्रेस में क्या है, फोन नंबर, फोन है, सिटी है, पिन,
ठीक है बच्चों, फोन सिटी पिन, देखिए फोन का साइज 15 ले ले रहे हैं, हो सकता है कि सब कुछ आ जाए, कम ना हो जाए। अब दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनका नाम है EMP, एक टाइप बना है जिसका नाम है एड्रेस स्ट्रक्ट एड्रेस, दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिसका टाइप है EMP। इसमें स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का नाम है और इसके अंदर जो है जो फर्स्ट टाइप है उसको उस टाइप का भी एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है जो पहले से बनाए हैं, स्ट्रक्ट एड्रेस ई, उस टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। अब देखिए बच्चों, इम्प्लाई टाइप का स्ट्रक्ट EMP नाम का एक वेरिएबल बनाया ई, लेकिन उसमें क्या लिख रहे हैं, ई में नेम लिख रहे हैं, उसके बाद फोन है, सिटी है, पिन कोड है, अब देखो बच्चों यहाँ पर तो हमने वैल्यू दे दिया नेस्टिंग फार्म का, पहले एम्प्लॉय का नाम दिया, उसके बाद फोन नंबर, सिटी नेम, पिन दिया। अब देखिए इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, नेम इज इक्वल टू परसेंट यस, फोन इज इक्वल टू परसेंट यस क्योंकि कैरेक्टर आ रही है, दो डेटा एक साथ करा रहे हैं, दो डेटा अलग से करा रहे हैं क्योंकि भाई स्क्रीन का विड्थ तो फिक्स है ना, ज़्यादा सब कराएंगे तो जगह नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रिंट मेथड में कुछ मेंबर को यहाँ फर्स्ट लाइन में लिख दे रहे हैं, कुछ को सेकंड में कर दे रहे हैं। ई डॉट नेम, देखिए ई डॉट नेम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, नेम को एक्सेस कर लेते हैं, और उसके बाद फोन नंबर देखिए कैसे एक्सेस कर रहा है, ई डॉट ए, ए डॉट फोन, ठीक। दूसरा प्रिंटर सी टी, सिटी देखिए स्ट्रिंग फार्म का है तो परसेंट यस, पिन जो है परसेंट डी फार्म का है, डबल कोट्स क्लोज, ई डॉट ए डॉट सिटी, ई डॉट ए डॉट पिन। तो नेस्टेड फार्म जो मेंबर्स है उनके लिए डबल डॉट का प्रयोग करेंगे, आउटर डॉट इनर डॉट इनर का मेंबर का नाम, ठीक, जितना लेवल बढ़ता जाएगा उतना ही डाट बढ़ता जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आउटपुट वही आएगा जो लिया है, नेम इज इक्वल टू 0, फोन इज इक्वल टू इतना, सिटी इतना आ गया, पिन 10 आ गया। नोटिस द मेथड यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर डेट इज पार्ट ऑफ अंदर स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर में वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया जो दूसरे स्ट्रक्चर का पार्ट है। फॉर दिस द डॉट ऑपरेटर इज यूज ट्वाइस एज इन द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर जहाँ नेचर फार्म है वहाँ पर डॉट ऑपरेटर ट्वाइस लगाया गया, दो बार। जैसे देखो बच्चों, ई डॉट ए डॉट नेम, ई डॉट ए डॉट
स्पिन ई डॉट ए डॉट सी टी आपके सामने है। ऑफ कोर्स द नेस्टिंग प्रोसेस नीड नॉट स्टॉप एट दिस लेवल। सचमुच नेस्टिंग प्रोसेस को इस लेवल पर हम स्टॉप नहीं कर सकते। वी कैन नेस्ट ए स्ट्रक्चर विदिन ए स्ट्रक्चर विदिन अंदर स्ट्रक्चर व्हिच इज इन स्टिल अंदर स्ट्रक्चर एंड सो ऑन टिल द टाइम वी कैन कंप्रीहेंस द स्ट्रक्चर ourselves। तो यहाँ पर कह रहा है राइटर कि हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब तक कि हम प्रॉब्लम को क्लियरली अलग न कर लें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है सच कंस्ट्रक्टिव हाउएवर गिव राइज टू वेरिएबल नेम दैट कैन बी सरप्राइजिंगली सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों यहाँ लिखा है मारुति डॉट इंजन, मारुति डॉट इंजन डॉट बोल्ट डॉट लार्ज डॉट क्वांटिटी। मारुति इंजन बोल्ट लार्ज क्वांटिटी है QTY। मारुति इंजन बोल्ट लार्ज क्वालिटी, देखिए यहाँ पर इतने लेवल हैं, क्या बता रहा देखिए। दिस क्लियरली सिग्निफाई दैट वी आर रेफरिंग टू द क्वांटिटी ऑफ लार्ज साइज बोल्ट। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हम बोल्ट ले रहे हैं उसका साइज क्या है, लार्ज है, लार्ज साइज बोल्ट। एक मिनट, लार्ज बोल्ट का साइज लार्ज है, ठीक है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसका एक मीनिंग निकल रहा, ठीक है बच्चों। तो क्या था, मारुति इंजन बोल्ट लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक एन ऑर्डिनरी वेरिएबल ए स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी पास्ड टू ए फंक्शन। जैसे हम वेरिएबल को किसी फंक्शन में पास करते आए हैं उसी तरह से बच्चों स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को भी हम किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्ट्रक्चर टाइप बनाए हैं, एक मॉडल जिसका नाम है बुक। मेंबर आपके सामने है, नेम ऑथर एंड कॉल नंबर। B1 में हमने जो है डेटा को इनिशियलाइज कर दिया, लेट अस सी YPK 1 ऑथर का नाम है S1 कानपुर, और कॉल नंबर में मान लेते हैं 101 डाल दिया, और डिस्प्ले कैसे कराएं। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन हम बना रहे हैं, जिसमें ऑथर का नेम डाला
पास किया, आथर बुक का नेम, आथर का नाम, काल नंबर पास किया, ठीक है बच्चों, जिसको हमने लिखा है राउंड ब्रैकेट में डिस्प्ले के अंदर, बी वन डॉट नेम, बी वन डॉट आथर, बी वन डॉट काल नंबर, सेमी कोलन, ब्लैक को बंद कर दिया है, किसके मेन को बंद किया, जैसा आप जानते हैं कि किसी फंक्शन को हमेशा उसके ब्लॉक के बाहर डिफाइन करते हैं, उसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमने जो है डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और देखो बच्चों, कोई भी नेम है वो तो एक कैरेक्टर एरे है, एरे है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें चाहिए उसी टाइप का एक पॉइंटर चाहिए। और इसलिए जो है हमने जो है सी एच ए आर एस टी सी एस लिखा, सी एच ए आर एस टी एस टी लिखा। भाई अगर स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो स्ट्रिंग का एड्रेस हम पास कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, एड्रेस के लिए एड्रेस टाइप कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। और कॉल नंबर ये है तो उसकी वैल्यू को हम फॉर्मल आर्गुमेंट के हेल्प से स्टोर कर लेंगे, इसलिए वहाँ पर आई एन टी एन लिखा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बैटरी डाउन हो रहा है तो अभी आपको बताते हैं, एक मिनट होल्ड करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, ठीक है, बाय मिस्टेक जो है बैटरी डाउन हो गया था, तो उसमें लगाने टाइम लग गया। देखिए जान से, तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल का हेल्प से जो कॉल बाय रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमारा जो मेन मेथड में है जो है उसको हम फंक्शन की बॉडी से एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा है, लेट अस सी YPK 101। ठीक है, ये आ जाएगा, ऑब्जर्व डैट इन द डिक्लेरेशन ऑफ
द स्ट्रक्चर नेम एंड ऑथर हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एरे. देखिए नेम एंड ऑथर इसका जो है एरे की तरह डिक्लेयर किया गया है. देयरफॉर व्हेन वी कॉल द फंक्शन डिस्प्ले यूजिंग b1.name, b1.author, b1.call number, देखिए क्या होता है. वी आर पासिंग द बेस एड्रेस ऑफ नेम एंड ऑथर बट द वैल्यू स्टोर्ड इन कॉल नंबर. दस दिस इज ए मिक्स्ड कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस. तो यहाँ पर जो कॉल हो रहा है दो तरह का कॉल है बच्चों, कॉल बाई रेफरेंस. फर्स्ट टू जो है कॉल बाई रेफरेंस के अकॉर्डिंग आर्गूमेंट्स है और लास्ट जो कॉल नंबर है बी वन डॉट कॉल नंबर वह आपका जो है कॉल बाई वैल्यू के अकॉर्डिंग आर्गूमेंट्स है. इट कैन बी इमिडिएटली रियलाइज डैट टू पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स वुड बिकम मोर टेडियस एज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स गो ऑन इंक्रीजिंग. तो यहाँ पर हम लोग तुरंत ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बढ़ जाएंगे तो इस तरह से हमारा जो है आर्गुमेंट पास करना टिपिकल होगा. ए बेटर वे वुड बी टू पास द इंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल एट ए टाइम. इसका जो है एक बेटर तरीका है जिससे हम जो है इंटायर स्ट्रक्चर को ही पास कर सकते हैं. दिस मेथड इज शोन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम. यह मेथड नीचे प्रोग्राम में दिया गया है. देखिए बच्चे कैसे हमने जो है हमारे स्ट्रक्चर तो यहाँ डिफाइंड है बुक. अब देखिए यहाँ पर मेन मेथड है, इसमें जो है बी वन में वेरिएबल बी वन जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसकी वैल्यू इनिशियलाइज्ड है और डिस्प्ले में बी वन को पास कर रहे हैं. क्या पास कर रहे हैं? बी वन. तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बी वन को जब पास करेंगे तो उसी टाइप का वेरिएबल बना करके फॉर्मल आर्गुमेंट में उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो यहाँ पर किया गया तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज परसेंट डी लगा करके आसानी से हम जो है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर ले रहे हैं. ठीक है. नोट डैट देयर हियर द कॉलिंग ऑफ फंक्शन डिस्प्ले बिकम्स क्वाइट कॉम्पैक्ट. हैविंग कलेक्टेड व्हाट इज बीइंग पास्ड टू द डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन द क्वेश्चन कम हाउ डू वी डिफाइन द फॉर्मल आर्गूमेंट्स इन द फंक्शन. यहाँ क्वेश्चन जनरेट कर रहा है कि कैसे फॉर्मल आर्गूमेंट्स को हम डिफाइन करें. वी कैन नॉट से इंस्ट्रक्ट बुक बी वन बिकम द डेटा टाइप इंस्ट्रक्ट बुक इज नॉट नोन टू द फंक्शन डिस्प्ले. देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रक्ट बुक आउटसाइड मेन. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो स्ट्रक्चर का जो टाइप है इसको मेन से पहले डिफाइन करते हैं जिससे हमारा जो है स्ट्रक्चर को मशीन जो है आसानी से रिजॉल्व कर ले. इसलिए कह रहे हैं कि हम जो स्ट्रक्चर का टाइप बनाएंगे उसको ग्लोबली बनाएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट द वे वी कैन हैव ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन इन आर ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए कैर. सिमिलरली वी कैन हैव ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए स्ट्रक. जिस तरह से हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इंटीजर टाइप वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को एक्सेस करते हैं उसी तरह से स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बना के हम पॉइंटर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. लिख आइए इस एग्जांपल से इसको समझते हैं.
इंस्ट्रक्ट बुक थ्री मेंबर्स है। अब देखिए वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाए जिसका नाम है एस्ट्रिक पीटीआर। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, प्रिंट मेथड से प्रिंट करा रहे हैं b1.name b1.author b1.callNumber %s %d नेम एंड आथर जो स्ट्रिंग टाइप के होंगे और जो कॉल नंबर है वह इंटीजर टाइप का है, इसलिए इसका फॉर्मेट लगाया गया है % फॉर स्ट्रिंग। अब देखिए b1 जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू लिया गया है, इसका एड्रेस हम जो है पॉइंटर में स्टोर कर ले रहे हैं, और उसके बाद ptr एरो ऑपरेटर नेम, ptr एरो ऑपरेटर आथर, ptr एरो ऑपरेटर कॉल नंबर, इससे हम जो है पॉइंटर की हेल्प से डेटा को स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। द फर्स्ट printf इज यूजुअल। फर्स्ट printf क्या है, जैसा है जनरल सामान तरह का है। द सेकेंड printf हाउ एवर इज पिक्यूलियर, मतलब पिक्यूलियर है, अलग तरह का है, एकदम नया है। वी कैन नॉट यूज ptr.name ptr.callNumber बिकॉज ptr इज नॉट ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। ptr क्या है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ptr एक स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं है, बट ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। ptr क्या है बेटा, ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर। द डॉट ऑपरेटर रिक्वायर ए स्ट्रक्चर। डॉट ऑपरेटर को क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए ऑन इट्स लेफ्ट। डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट में क्या रहता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है। इन सच केसेस ही प्रोवाइड्स एन ऑपरेटर एरो कॉल्ड एन एरो ऑपरेटर टू रिफर टू स्ट्रक्चर एलिमेंट। ऐसे सिचुएशन में जो है सी क्या करता है, आपको एक ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, एरो ऑपरेटर। रिमेंबर डैट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डॉट स्ट्रक्चर ऑपरेटर देयर मस्ट ऑलवेज बी ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। रिमेंबर याद होना चाहिए, मतलब याद रखिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है डॉट ऑपरेटर है, उससे पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल होना चाहिए। वेयर एज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एरो ऑपरेटर देयर मस्ट ऑलवेज बी ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर। एरो ऑपरेटर के लेफ्ट में पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर होना चाहिए, मस्ट है। द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इन मेमोरी इज शोन इन द फिगर। देखिए डायग्राम में देखें, ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे देखते हैं कैन वी नॉट पास द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल टू ए फंक्शन। क्या हम एड्रेस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस नहीं पास कर सकते, वी कैन लिखा है कर सकते हैं। देखिए कैसे, पासिंग एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। इस एग्जांपल में देखते हैं हम एरे वेरिएबल का क्या कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। देखिए कैसे, एड्रेस b1 सॉरी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है b1 और एक डिस्प्ले मेथड बनाया गया है जिसमें जो है b1 का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो देखिए इसको डिफाइन जहाँ किया गया है निश्चित है वो स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्ट बुक b। और देखिए b की हेल्प से हम एरो ऑपरेटर लगा करके मेंबर को एक्सेस करते हैं, ठीक है।
आगे देखिए बच्चों, आल्सो द स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट बुक शुड बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड मेन, क्यों सच डैट दिस डेटा टाइप इज अवेलेबल टू डिस्प्ले वाइल देयर वाइल डिक्लेयरिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो हम इसको मेन से, हमें मेन से बाहर करना चाहिए, तभी तो इसका इसका जो टाइप है हमारा जहाँ फंक्शन डिफाइंड है उसको मिलेगा, तभी वह समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निप्ड आई एन टी स्ट्रक्ट ई एम पी, ई एम पी नाम का एक स्ट्रक्चर टाइप बनाते हैं। इंटीजर एक मेंबर है, एक कैरेक्टर मेंबर है और एक फ्लोट मेंबर है। स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसके बाद स्ट्रक ई एम पी ई। अब देखिए यहाँ पर ना एड्रेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एड्रेस। एड्रेस चेक करें इनका एड्रेस कितना है, हमें पता चले कि कॉन्टिग्यूअस फार्म में है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, इफ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यूजिंग TC++, वी गेट द एड्रेस एज 65518, 2 bytes के बाद जो है 20 और 1 byte के बाद 21। तो देख रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू इंटीजर 2 bytes ले रहा है, कैरेक्टर 1 byte ले रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउएवर इफ वी रन द सेम प्रोग्राम यूजिंग VC++, आउटपुट देखिए अलग आ रहा है, 44 48। यहाँ पर इसमें इंटीजर जो है 4 bytes ले रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटपुट डैट फ्लोट डज नॉट गेट्स स्टोर्ड इमिडिएटली आफ्टर द कैर। फ्लोट जो है कैर के जस्ट बाद स्टोर नहीं हो रहा है, क्यों भाई। इन फैक्ट देयर इज ए होल ऑफ 3 bytes आफ्टर कैर, देयर इज ए होल ऑफ 3 bytes आफ्टर कैर। लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस। VC++ इज ए 32 bits कंपाइलर टारगेटेड टू जनरेट कोड फॉर ए 32 bits माइक्रो प्रोसेसर। ये जो VC++ का कंपाइलर होता है, यह जो कोड जनरेट करता है 32-bit माइक्रो प्रोसेसर के लिए, उसमें होता क्या है, द आर्किटेक्चर ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर इज सच दैट इट इज एबल टू फेच द डेटा दैट इज प्रेजेंट एट एन एड्रेस व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 4 मच फास्टर देन द डेटा प्रेजेंट एट एनी अदर एड्रेसेस। Hence, the VC++ compiler aligns every element of a structure at an address that is multiple of 4. That is multiple of 4. That is the reason why there were 3 holes. क्रिएटेड बिटवीन कैर एंड फ्लोट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या रीजन बता रहे हैं, VC++ का जो कंपाइलर है वो फास्टर प्रोग्राम को रन करने के लिए करता गया है, जैसे इंटीजर के लिए 4 bytes ले रहा है, तो अब क्या है, फास्टर रन करने के लिए वो कर क्या रहा है, कैरेक्टर 1 byte लेता है, लेकिन
बीच में जो है फोर का मल्टीपल मेंटेन करने के लिए थ्री होल को क्रिएट कर देता है। इस तरह से हमारा जो गैप हो जाता है फोर बाइट्स का हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो है 48 के बाद क्या आ रहा है, 52 आ रहा है, फोर बाइट्स गैप। हाउ एवर सम प्रोग्राम्स नीड टू एक्सरसाइज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द मेमोरी एरिया वेयर डेटा इज प्लेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी विश टू रीड द कंटेंट ऑफ बूट सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर ऑन द फ्लॉपी और हार्ड डिस्क इन टू ए स्ट्रक्चर। फॉर दिस द बाइट अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट मस्ट बी मैच द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फील्ड इन द बूट सेक्टर ऑफ द डिस्क। द प्रैग्मा पैक डायरेक्टिव ऑफर ए वे टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। दिस डायरेक्टिव स्पेसिफाइज पैकिंग अलाइनमेंट फॉर स्ट्रक्चर मेंबर्स। द प्रैग्मा टेक्स इफेक्ट एट द फर्स्ट स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन आफ्टर द प्रैग्मा इज सीन। टर्बो C++ कंपाइलर डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर्स, VC++ कंपाइलर डज। द फॉलोइंग कोड शो हाउ टू यूज दिस डायरेक्टिव्स। अब देखिए प्रैग्मा पैक वन इंस्ट्रक्ट EMP, इसने मेंबर का नाम डाल दिया। उसके बाद प्रैग्मा पैक हैज प्रैग्मा वार्निंग एंड बिफोर मेन से पहले फंक्शन को स्टार्टअप और एग्जिट होने से पहले क्लोजअप के लिए यूज करते हैं प्रैग्मा। इंस्ट्रक्ट EMP देखिए यहाँ पर एड्रेस चेक कर रहे हैं। हियर प्रैग्मा पैक वन लेट्स ईच स्ट्रक्चर एलिमेंट टू बिगिन ऑन ए वन बाइट बाउंड्री एज जस्टिफाइड बाई द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो। तो कह रहे हैं प्रैग्मा वन का यूज करेंगे तो हमारा जो मेमोरी वेस्ट है वेस्ट नहीं होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा इंटीजर 4 bytes ले रहा है तो 44 के बाद 48 का डिफरेंस आया 4 bytes का। अब उसके बाद देखिए 48 के बाद अगला एड्रेस है 49, कैरेक्टर टाइप का जो मेम्बर्स है 49 से स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का प्रयोग वेयर आर स्ट्रक्चर यूजफुल, स्ट्रक्चर कहाँ उपयोगी है। द इमीडिएट एप्लीकेशन डैट कम्स टू द माइंड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इमीडिएट जो भी हमारे एप्लीकेशंस है वो आपका है जो है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज टू मेंटेन डेटा अबाउट एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टू मेंटेन डेटा ऑफ एन एम्प्लॉई इन ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स इन लाइब्रेरी, आइटम इन ए स्टोर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन ए कंपनी। बट माइंड यू यूज ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेचेज मच बियॉन्ड द डेटा बेस मैनेजमेंट। दे कैन बी यूज फॉर ए वराइटी ऑफ पर्पजेज लाइक दिस, चेंजिंग द साइज ऑफ द कर्सर। इसके हेल्प से हम जो है कर्सर के साइज को चेंज कर सकते हैं। क्लियरिंग द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।
drawing any graphic shape on the screen. स्क्रीन पर कोई ग्राफिक शेप हम ड्राइंग कर सकते हैं. रिसीविंग ए की फ्रॉम द कीबोर्ड, की से कोई कीबोर्ड की रिसीव कर सकते हैं. कीबोर्ड से किसी की को हम रिसीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. चेकिंग द मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी साइज को चेक कर सकते हैं. फाइंडिंग आउट द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट अटैच टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कितने इक्विपमेंट अटैच्ड हैं उसको भी चेकअप कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग ए फ्लॉपी, फ्लॉपी को फॉर्मेट कर सकते हैं. हाइडिंग ए फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से किसी फाइल को हाइड कर सकते हैं. डिस्प्ले द डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क, डिस्क के डायरेक्टरी को स्ट्रक्चर के हेल्प से डिस्प्ले करा सकते हैं, शो कर सकते हैं. सेंडिंग द आउटपुट टू द प्रिंटर, आउटपुट को प्रिंटर पर सेंड कर सकते हैं. इंटरैक्टिंग विद द माउस, माउस से इंटरेक्शन कर सकते हैं. एंड दैट इज सर्टेनली ए वेरी इम्प्रेसिव लिस्ट, ठीक है ये तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन टाइप का लिस्ट, बहुत काम का चीज़ है. At least impressive enough to make you realize how important a data type, a structure is, and to be though with it you intend to program any of the above applications. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन बताया गया बच्चों, इसके कुछ एप्लीकेशन जो है चैप्टर 16-19 में दिया गया है. ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर हम लोग इसको फिर जब हम बैक होंगे आगे चलकर तो इसको फिर डिस्कस किया जाएगा. चैप्टर का देखिए समरी क्या कहता है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. ए स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज When we wish to store dissimilar data together, structure को हम सामान्यतः तब प्रयोग करते हैं जब dissimilar data को एक साथ प्रयोग करते हैं एक ग्रुप में. Structure elements can be accessed through a structure variable. Structure elements को हम जो है structure variable के help से dot operator लगा करके access करते हैं. स्ट्रक्चर एलिमेंट कैन बी एक्सेस थ्रू ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर यूजिंग ए पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम है एरो ऑपरेटर. ऑल एलिमेंट ऑफ वन स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइंड टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के सभी मेंबर को हम जो है एक साथ दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में उसी टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू पास ए स्ट्रक्चर वेरिएबल टू ए फंक्शन आइदर बाय वैल्यू और बाय एड्रेस. हम किसी स्ट्रक्चर को बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये भी पॉसिबल है कि एरे आप स्ट्रक्चर भी हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा. अगले लेक्चर में हम आपको कुछ इसके एक्सरसाइज होंगे उसको करा देंगे. थैंक यू बच्चों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी लगता है अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर होता है तो आप हमें बताइए जिससे मैं इस वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ. जय हिंद.